गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट एंड वेब। 1945 वेनुअर बुश राइट्स अबाउट मी मैक्स अ फ्यूचरिस्टिक ऑटोमेटिक पर्सनल लाइब्रेरी सिस्टम। 1945 में इन्होंने बताया था, लिखा था कि फ्यूचर में एक ऐसा लाइब्रेरी सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद अमेरिकी एजेंसी है 1960s में एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डज रिसर्च ऑन इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिंग स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क्स। इन्होंने क्या किया, उससे एक छोटा सा लार्ज और स्मॉल नेटवर्क सिस्टम इस्टेब्लिश किया खुद के लिए 1968। इसमें इनका पूरा नाम है डगलस एंजेलबर्ट, इन्होंने ही माउस का इन्वेंट किया था। डेमोन्स्ट्रेट एनालिस अ हाइपर टेक्स्ट सिस्टम दैट यूजेज अ माउस। ये माउस पहला जो माउस था कुछ इस टाइप से दिखता था। नेक्स्ट 1969 में आर्पानेट गोज ऑनलाइन विथ 4 नोड्स। वहां पे क्या किया, आर्पानेट ने 4 नोड्स के साथ वहां पे स्टार्ट किया था। 1969 रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स क्रिएटेड फॉर क्विकली डिसेमिनेटिंग आइडियाज विथ अदर नेटवर्क रिसर्चर्स 1969 में। इसके बाद टेलनेट अलाउज यूजर्स टू लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। टेलनेट अलाउ किया था कि ताकि आप दूर से भी कहीं किसी कंप्यूटर से लॉग इन कर सकें। 1971 में रेड टॉमसन सेंड्स फर्स्ट ईमेल सेंड टू हिमसेल्फ एंड प्रोबेबली रीड क्वर्टी यूआईओपी, जैसा कि कीबोर्ड पे होता है। रेड टॉमसन है जो पहली बार जिन्होंने ईमेल भेजा था। उसके बाद आते हैं एफटीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अलाउज फाइल्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर दो कंप्यूटर के बीच में हम लोग फाइल का ट्रांसफर कर सकते हैं इसके मीडियम से। 1981 आर्पानेट इंटरनेट हैज 200 नोड्स। 1982 आर्पानेट स्टैंडर्डाइज इट्स यूज ऑफ टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सेंड डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। 1983 में क्या हुआ, डोमेन नेम सिस्टम डेवलप्ड हुआ, जैसा कि डोमेन नेम सिस्टम होता है .com देखते ही है हम लोग। 1985 NSFNet established would later become major part of the internet backbone. 1986 over 10,000 nodes on ARPANET. US military portion of ARPANET splits off into MILNET, military only network. जैसा कि देखते हैं आप मिल डॉट होता है नेट। 1988 में ओवर 1,00,000 नोड्स ऑन इंटरनेट वहां से जुड़ गए थे। 1988 में फर्स्ट इंटरनेट वॉर्म बाय रॉबर्ट टैपन मॉरिस क्रैशेस 6% ऑफ सर्वर्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे पहला जो वायरस था, वॉर्म था, वो इन्होंने ही डेवलप किया था जिससे कि इंटरनेट क्रैश कर दिया था। याना एस्टैब्लिश टू ओवरसी ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन एंड अदर। 1990 इन्हीं के नाम है जिन्होंने डेवलप किया था लैंग्वेज इंटरनेट पे, जो कि हम लोग लिखते हैं या देखते हैं। 1990 टीम बर्नर्स-ली एंड अदर एट CERN डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW जो हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इन्हीं का डेवलप किया हुआ है। टीम बर्नर्स-ली इज द इन्वेंटर ऑफ WWW। HTML डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट बाय अ वेब सर्वर टू वेब ब्राउजर्स using URIs and HTTP. HTML बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1992 में वायोला WWW ब्राउजर फॉर यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 50 वेब सर्वर्स उस टाइम 1992 में काम कर रहे थे। 1993 में 500 वेब सर्वर्स। मोजैक नाम सुना होगा, वेब ब्राउजर मोजिला। मोजैक वेब ब्राउजर मल्टी प्लेटफॉर्म एंड फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इनलाइन इमेजेज रिटन बाय मार्क एंडरसन। 1994 में 2500 वेब सर्वर्स काम कर रहे थे। WWW कंसोर्टियम W3C बिगेन। नेटस्केप 1.0 ये क्या था, याहू वेब डायरेक्टरी स्टार्टेड बाय जेरी यांग एंड डेविड फिलो। 1995 नेटस्केप 2.0 सपोर्टिंग प्लगइन्स फ्रेम्स जावा एप्लेट्स जावास्क्रिप्ट, ये सब डेवलप हो चुका था। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 1.0 रिलीज हो गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं।
1996 में माइक्रो मीडिया फ्लैश 1.0 प्रीवियसली कॉल्ड फ्यूचर्स फ्लैश एनिमेटर ये डेवलप हो चुका था। इंटरनेट आर्काइव बिगिंस आर्काइविंग द वेब 1997 में HTML 4.0 डिफैक्टो स्टैंडर्ड डेवलप हो चुका था। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ब्राउजर वॉर्स नेटस्केप ये सब चीज डेवलप हो चुका था 1997 में। 1998 नेटवर्क सॉल्यूशन रजिस्टर्स टू मिलियन डोमेन नेम इमर्जेंस ऑफ XML आई कैन क्रिएट इट टू मैनेज IP एड्रेस स्पेस एंड DNS रूट जोन ये आई कैन के द्वारा डेवलप किया गया था। 1998 में गूगल फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जरी बिन लैरी पेज जो है अभी कुछ दिनों पहले तक लैरी पेज गूगल के CEO थे इन्होंने गूगल को वहां पे फाउंड किया था। 2000 ईयर में नैपस्टर सूड ओवर म्यूजिक शेयरिंग उसके बाद वेबसाइट एस्टिमेटेड बाय NECRI एंड इकोनॉमी सरपास 1 बिलियन इंडेक्सेबल पेजेस XHTML 1.0 रिकमेंडेड बाय W3C 2001 में विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया दैट कैन बी एडिटेड बाय वन एनीवन किसी के द्वारा भी 2001 में विकिपीडिया जैसा कि आप देखते होंगे किसी भी चीज के बारे में वहां पे नॉलेज दिया जाता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं उसको वहां पे जो भी आप सर्च करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल उसके बारे में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर इंटरनेट पे। 2002 में ब्लॉग्स बिकम पॉपुलर जैसा कि देखते होंगे यूट्यूब पे अभी फेमस है ब्लॉग्स बनाना। 2003 iTunes.com एंड अदर लीगल इंटरनेट म्यूजिक डाउनलोडिंग सर्विसेज अपीयर ये iTunes जो है वो एप्पल का है एप्पल की कंपनी के द्वारा वहाँ पे एप्पल के iOS सिस्टम्स का पार्ट है। iTunes.com रजिस्टर्ड 25 मिलियन सॉन्ग्स डाउनलोड इन दिसंबर 2003 तक। 2003 सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होगा ही जब भी इंटरनेट डेवलप हुआ तो ये भी होगा। SQL स्लैमर वर्म लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्प्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक्स ओवर ये सब क्या हुआ था वहां पे उसके बाद Sobig.f वायरस द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वायरस एवर ब्लास्टर वर्म वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग वर्म्स एवर ये भी डेवलप हो चुका था 2003 में। 2004 में MySpace एंड Facebook पॉपुलराइज ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट डेवलप हो चुका था। 2005 इसी साल YouTube लॉन्च हुआ था YouTube फाउंडेड बाय 3 फॉर्मर PayPal एम्प्लॉयज एंड सोल्ड टू Google द नेक्स्ट ईयर फॉर ये उसके बाद इन्होंने क्या किया जब PayPal इन्होंने डेवलप किया उसके बाद इसको Google को बेच दिया। 2006 में Twitter लॉन्च हुआ था लॉन्चेज 140 कैरेक्टर्स लिमिट माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विसेज टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर यू एक्नोलेज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट उस टाइम में लिमिटेशन था 140 का जिसको बढ़ा के टाइम अभी के टाइम में कर दिया गया है 400 वर्ड तक आप उसमें कैरेक्टर तक यूज कर सकते हैं। 2007 वन ऑफ द फर्स्ट मैसिव साइबर अटैक्स एस्टोनियन वेबसाइट्स अटैक्ड बाय रशियन हैकर्स आफ्टर रीलोकेटिंग द ब्रॉन्ज सोल्जर ऑफ टेलिन मॉन्यूमेंट। 2008 Firefox 3 sets Guinness World Record for the largest number of software downloads in 24 hours 8 million downloads हुआ था इसका। 2008 Google releases the Chrome web browser जो कि अभी 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 recent time में देखते हैं बहुत ही ज्यादा popular है Google Chrome। Next 2008 W3C releases first public working draft of HTML spec 2012 में ICANN reveals 1410 new generic top level domains like apple .catholic and .dat 2013 में mobile devices account for 18% of all web page view state counter ये था history of internet। next part में हम लोग देखेंगे कि internet कहाँ use किया गया था सबसे पहले इंडिया में कैसे आया इंडिया में कौन लेके आए और सबसे ज़्यादा किस कंपनी के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड कराया गया इंटरनेट में क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।